टूर है लक्ष्य का हमारे बड़ोदरी का, ये मराठवाड़ा और महाराष्ट्र का पहला टूर होगा जो फौरन हज के बाद पहला उम्रे के लिए ये ट्रिप ला रही है। कल भी ये लोग और हम लोग आएंगे, परसों भी आएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने आपको हमको कबूल किया है तो इसका हम लियाकत रखें और बाकी फिर इंशाअल्लाह ताला ज्यारतें वगैरह वो सब करवाएंगे, बिल्डिंग आपका खाने का इंतजाम रहेगा। खाने के ताल्लुक से सुन लीजिए, सेल्फ सर्विस रहेंगे, आपको कोई जोर जबरदस्ती नहीं किया जाएंगे, ये मत लो वो मत लो, आपको जितना लगता उतना लेना, जितना पेट को लगता उतना ही खाना। आमतौर पर आदमी हिस्स में ज्यादा लेता है तो खाना वेस्ट हो जाता है। मेरे मौला मेरे मौला لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك पढ़ते रहना है ये। अभी मैं पहला उम्रा कर लेता हूँ फिर उसके बाद में हम पूरा बताएंगे कैसा कैसा उम्रा होता है। सो गाइस मेरे हाथ पोस शेक हो रहे थे, लिटरली मेरे को समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। मेरे मौला बाइक की फर्स्ट टाइम देखे बात तो कैसा होता है आपको पता है, और जिसको नहीं पता है वो आए एक बार और देखे और जब पता लगेगा आपको। बाइक की तवाफ करने के बाद पहले उससे पहले हमने दो रकात नफिल पढ़ी और फिर आगे थे हम जमजम पीने, जमजम पिए और यहाँ से निकले हम डायरेक्ट सफा की ओर और सफा की पहाड़ी के पास जाए बाद में सफा की पहाड़ी के पास में जाके हमने दुआ की और फिर उसके बाद में सफा और मरवा के साथ चक्कर लगाए, सफा से मरवा एक चक्कर, मरवा से सफा दो चक्कर, ऐसे करते करते हमने सात चक्कर लगाए और फाइनली हम सफा से निकल चुके थे मरवा के ओर। आपको आगे जो ग्रीन डिस्प्ले दिख रहा होगा तो वहाँ पर सब दुआएं लिख के आती है। मेरे को थोड़ा मतलब इमोशनल हो गया था मैं, वैसे बाजू में मम्मी चल रहे थे, मेरे साथ एक किस्सा भी हुआ था, मैं आपको वो शायद अगले ब्लॉग में शेयर करूंगा क्योंकि ये ब्लॉग इतना बड़ा नहीं है वैसे, पर जितना भी है आपको देखने में मजा आएगा। और जो आगे ग्रीन लाइट दिख रही है आपको वो लंबी सी, वहाँ पे थोड़ा सा आदमी लोगों को थोड़ा तेज चलना है, भागना नहीं है तेज चलना है, और लेडीज को उनकी जो नॉर्मल चाल है मतलब नॉर्मल वॉक है उनकी बस उतना ही चलना है उनको। और जो मैं भाग रहा था वैसे चल रहा भी था और भाग रहा भी था और भाग भी सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है। और ये आ गई थी हमारी मरवा की पहाड़ और मरवा का कुछ पहाड़ इतना ही बचा है जो कि लोगों को सैंपल रखा है कि इतना ही पहाड़ मौजूद है यहाँ पर। और जो यहाँ पे ना तीन फ्लोर है जो कि इसके नीचे वाले फ्लोर में पूरी सफा की पहाड़ी है, सफा से मरवा, मरवा से सफा होने के बाद में हमने सात राउंड कंप्लीट कर लिए थे और यहाँ से एंड होता है मरवा, मरवा से निकल के बाहर हम हल्क करने चले गए थे, हल्क मीन्स टकला। और टकला करने के बाद में मैं भी बहुत अच्छा लग रहा था, मेरे को लगा था अरे यार मैं कैसा दिखूंगा, पर मेरे को भी टकला सूट हो रहा था, अच्छा दिख रहा था मैं उसमें। बाकी मैंने पूरी वीडियो बनाया था एक याद के तौर पे कि पूरा टकला होते हुए मैं कैसा दिखूंगा, बहुत मस्त दिख रहा था, मतलब माशाल्लाह दिख रहा था माशाल्लाह इन कमेंट। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना जरूर। और ये छोटा सा वीडियो था, इससे पहले का जो वीडियो था वो 15 या 20 मिनट का था, उस वजह से मैंने इसको छोटा रखा था। बाकी नेक्स्ट व्लॉग भी जल्दी आने वाला है, इसके कुछ 12 या 13 पार्ट है प्यार दिखाना, और अल्लाह करे हमारे जल्द से जल्द 1K भी होने वाले है, बस 500 सब्सक्राइबर की जरूरत है। टकला भी हो गया, अब जाएंगे हम नहाने, और टकला हो गया समझ लो उम्रा भी हो गया, बस अब जाने का होटल में और नहाने का, पहली फुर्सत में उम्रा कंप्लीट। बाकी आपके ऊपर है कि आप कितने जल्दी हमारे 1K सब्सक्राइबर कराते हो और हम जल्दी जल्दी व्लॉग डालेंगे उसके लिए, 1K की जर्नी जारी रहेंगी। और चलो मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं वापिस।